माझे आमिष दाखवून एका अल्पवयीन मुलीवर वारंवार अत्याचार करणाऱ्या प्रियकराला पोलिसांनी अटक केली आहे. मुलीच्या आईच्या तक्रारीवरून ही कारवाई केल्या गेली. मागील एक वर्षापासून अल्पवयीन मुलगी व आरोपी यांच्यात प्रेमसंबंध होते. आरोपीने लग्नाचे आमिष दाखवून मुलीसोबत शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. या घटनेची माहिती मुलीच्या घरच्यांना समजताच त्यांनी पोलीस ठाणे गाठले. पोलिसांनी आर्यन दिनेश भगत 19 वर्षाला अटक केली असून पोलीस तपास करीत आहे. 4 तारीख को फिरियादी जो आए वो महिला आई थी, उसमें उनका नाम था वैशाली रविंद्र पाटिल, रहना है ज्ञानेश्वर नगर मानेवाड़ा. उन्होंने जो कंप्लेंट दिया था पहला अजनी थाने में, और वहाँ से यहाँ पे रेफरेंस आने के बाद में हमने इंक्वायरी किया, तभी मालूम पड़ा कि उनकी छोटी लड़की है, माइनर, उम्र 17 साल. उसका एक लड़के ने जो आरोपी है उसके साथ में पिछले 1 साल से प्रेम संबंध थे, और प्रेम संबंध के में उन्होंने शादी करने का ढांचा देकर उसके साथ में बार बार बलात्कार किया था. इस मामले में हमने इंक्वायरी करने के बाद में सबसे पहला 11 मार्च 2022 से लेके 4 दिसंबर 2024 तक ऐसा उनका रिलेशन था. उसमें पहले सबसे पहला फुटाला तालाब परिसर में ये उनका रिलेशन हुआ था. उसके लिए हमने तहकीकात करने के बाद में अम्बाझरी पुलिस स्टेशन में अपराध नंबर 8/24 कलम 313, 300 376 2N और पोक्सो कलम 4, 8 और 12 के तहत हमने मामला रजिस्टर किया है. इसमें इस आरोपी ने उस माइनर गर्ल को जो वो प्रेग्नेंट हुई थी, इसके लिए उसने गोली देकर वो प्रेगनेंसी भी उसने ड्रॉप करने की कोशिश किया है. इसके लिए हमने सेक्शन 313 भी उसके अंदर लगाया है.